दोस्तों आपने बहुत से कार्टून में देखा होगा कि अखिलेश यादव की नाक या तो लंबी बनाते हैं या टेढ़ी बनाते हैं। क्या कभी आपके दिमाग में आया है कि कार्टूनिस्ट अखिलेश यादव की नाक टेढ़ी ही क्यों बनाते हैं? ये बात तो आपने नाक वाली कही, नाक कम बड़ी देर में समझ में आया। खैर क्योंकि मेरी नाक, क्योंकि बायोलॉजिकली नाक है, नाक मेरी है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ इसका, क्योंकि हेरिडिटी में मुझे मिली है नाक, और जो जो मिली है वो मेरे दिखाई दे रही है आपको टेढ़ी। में मैंने ये बहुत पहले मैं जब आ रहा था किताब में से, हो सकता मुझसे ये पूछे लोग कार्टून के बारे में, तो है ना इंटरेस्टिंग। हालांकि बात ये व्यक्तिगत है लेकिन बात दिलचस्प है। ये बात भारत एक सोच ने अखिलेश यादव से पूछने की हिम्मत कर ली है। भारत एक सोच की टीम ने जब अखिलेश से पूछा कि उनकी नाक टेढ़ी क्यों है और कार्टूनिस्ट उनकी नाक टेढ़ी बनाते हैं उनको गुस्सा नहीं आता, तो उन्होंने क्या जवाब दिया सुनिए। यकीनन इससे पहले ये जवाब और ये कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। टेढ़ी इसलिए बनती है कि मेरा एक सबसे शौक का खेल था फुटबॉल, अब तो नहीं खेल पाता हूँ, मैं समय निकाल करके फुटबॉल का शौकीन हूँ, फुटबॉल की वजह से मेरी नाक टूटी और वो आज भी टेढ़ी है, क्योंकि मैं डॉक्टर कक्कड़ एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, नेताजी मुझे लेके गए वहाँ, बोला कि नाक ठीक करा लो, डॉक्टर कक्कड़ ने, वो राष्ट्रपति के डॉक्टर थे, नेताजी का उनका बहुत संबंध था, तो जब कक्कड़ साहब ने मेरी पूरी नाक देख ली, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई, तो मैंने कहा मेरी शादी हो गई, तो बोले अब कोई ठीक कराने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने कोई ठीक नहीं कराई और मैं मुख्यमंत्री भी बैठ गया बन गया, तो अब नाक ठीक कराने की कोई जरूरत नहीं मुझे। तो ये मेरा जो गुड लक हो गया वो तो किसको, ये कौन है, फ्रेंक जोर का नाम मनोज है। अच्छा वो छोड़ो, अब अरे कौन कब किसको जानता, छोड़िए इन बातों को। देखिए यकीन मानो दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम जय भारत।